टोनी गोरैया को मेहंदी मारना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सुरेख मेहंदी मांडा करती थी, इसीलिए उसकी सारी सहेलियां उसी के पास मेहंदी लगवाने आया करते। यूं एक दिन एक बड़ा सा त्योहार आने वाला था। टोनी की सहेलियां मही चिल, चीचू कौवा और छोटू तोता उसके पास गए। अरे टोनी सुनना, उन दोनों से पहले तू मेरे ही हाथों में मेहंदी मारना। कहते हैं मेहंदी का रंग चढ़ा तो पति बहुत अच्छा मिलता है। नहीं टोनी सुनो, पहले मेरे हाथों पे मेहंदी मांडो, मुझे ही बहुत सुंदर पति मिलेगा, देखना। टोनी पहले उसे नहीं लगाना। वैसे ही मुझे शादी की जल्दी तो है नहीं, समय लगेगा तभी चलेगा, पर मेहंदी तो तुम्हें उन दोनों से पहले मेरे ही हाथ में मारनी होगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मेरी माँ की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरी माँ को मैं अस्पताल ले गई हूँ। कुछ पैसों की जरूरत थी इसलिए घर लौट कर आई हूँ। मैं अस्पताल के लिए निकल ही रही थी कि तुम तीनों यहाँ आए। टोनी की बात सुनकर वे तीनों दुखी हुए, उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहा। टोनी जैसे ही वहाँ से जाने के लिए निकली, कुछ पक्षियाँ उसकी मरी हुई माँ को वहाँ पर लेकर आते हैं। माँ क्या हुआ, माँ को, माँ उठो ना, माँ, माँ तुम्हें क्या हुआ। यूँ फूट फूट कर टोनी रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सहेलियाँ भी रो पड़ी। उन सभी ने मिलकर टोनी की माँ की अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। टोनी अब अकेली हो गई थी, सभी ने उसे सांत्वना दी। टोनी वहीं पर रहते हुए छोटे मोटे काम किया करती और अपना गुजारा कर रही थी। यूँ कुछ दिनों के बाद पता चला कि मही की शादी तय हुई है। वो टोनी से मिलने आई। टोनी मेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़के वाले बहुत धनवान हैं। शादी यही मेरे घर पर होगी, शादी बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। हमसे उन्होंने दहेज भी ज्यादा नहीं मांगा, कह रहे थे किसी को मेहंदी लगाने भेजेंगे, पर चाहे जो भी हो मैं तो मेहंदी तुम ही से लगवाऊंगी। हाँ जरूर, मैं ही तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी। देखते देखते शादी के दिन पास आए। रात की शादी थी इसीलिए मेहंदी आर्टिस्ट लूसी वहाँ पर आई। लूसी ने सभी के हाथों पे बहुत सुंदर मेहंदी मांडी, जिसे देखकर सारे पक्षियाँ कहने लगी, देखा वो तो बहुत सुंदर मेहंदी मांड रही है, उसके सामने तुम कैसे टिक पाओगी। हाँ सच कहा, वो तो बहुत सुंदर मेहंदी मांड रही है मही, मैं उसके सामने तो टिक नहीं पाऊंगी, तुम उसी से मेहंदी मंडवा लेना। नहीं, चाहे कोई जितनी भी सुंदर मेहंदी मांड ले, पर मैं तो तुम्हारे ही हाथों से मेहंदी मंडवाऊंगी। मही की बातें सुन टोनी की आंखों में आंसू निकल आए। तुम रो क्यों रही हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, दरअसल मेरी जगह तुम्हारे दिल में कितनी है ये मैंने जान लिया। ये कहकर रोते हुए उसके हाथ में मेहंदी मारने लगी। लूसी जी, ये मेरी सहेली टोनी है, देखो तो इसने मेरे हाथ में कितनी सुंदर मेहंदी मांडी है। हाँ ये तो बहुत सुंदर है, क्या आपने कहीं कोर्स किया है? नहीं मैंने कोई कोर्स नहीं लिया। फिर भी ये बहुत सुंदर है, अगर आपने कोर्स किया होता तो बहुत पैसे कमाती। उसमें कितना खर्च होगा? अगर शहर में तुम ब्यूटी पार्लर का कोर्स लो तो बहुत महंगा पड़ेगा, उसी में तुम्हें मेहंदी भी सिखा देंगे। ऐसे लूसी के कहने पर टोनी ने उसकी बात मान ली। लूसी जी, मेरे सहेली के हाथ पर मेहंदी मांडिए ना। हाँ जरूर, कहकर लूसी ने टोनी के हाथ पर मेहंदी मांडनी शुरू की। आप यहाँ आने के हमसे कितने पैसे लेंगी? हर कोई अलग अलग दाम की बात करता है, वैसे किसी एक के दो हाथों में लगाने पर 15 से 2 हजार लेती हूँ। इसके अलावा सभी के हाथों का मिलाकर भी एक साथ बात कर लेते हैं, वैसे बहुत पैसे कमा सकते हैं। क्यों ना तुम भी ये काम कर लो, तुम भी पैसे कमा सकती हो। हाँ मही, पर उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है ना। रहने देना दोस्त, मेरी जिंदगी इसी खेत के कामों और छोटे मोटे कामों तक ही सीमित है। ऐसे उदास होकर टोनी ने कहा। उसके बाद शादी धूमधाम से हो गई और टोनी वहाँ से वापस चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी एक और सहेली चीचू की भी शादी तय हुई। इस तरह एक एक कर उसकी सभी सहेलियों की शादी हो गई, पर टोनी की शादी नहीं हो पा रही थी। वजह ये थी कि उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं था। मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं, अभी मेरी सहेलियां भी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ काम कर आगे बढ़ने की सोचो, तो मेरे पास पैसे नहीं।
मेरे पास जायदाद नहीं, इसलिए अब मेरी शादी भी नहीं होगी, मैं अकेली ही रह जाऊंगी। यूं रोते हुए भगवान से वो प्रार्थना करने लगी। इतने में वहाँ पर रोशनी हुई, वो और कोई नहीं टोनी की माँ की आत्मा थी। बेटा टोनी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें एक चमत्कारी तोहफा दूंगी। माँ की आत्मा ने उसे कहा कि ब्यूटी पार्लर के कोर्स के बिना ही उसे वो कुछ ऐसी शक्तियाँ देगी जिससे वो बहुत सुरेख मेहंदी मारने लगेगी। ये कहते ही टोनी तुरंत शहर के लिए निकल पड़ी। वहाँ पर उसने अद्भुत मेहंदी के डिजाइन लगाकर खूब पैसे कमाए। शहर में टोनी ने अपना खुद का ब्यूटी सैलून खोल लिया। अच्छे नाम के साथ साथ उसने बहुत सारे पैसे भी कमाए। उसके पैसों को देखकर कई पक्षियां उससे शादी करने के लिए आगे बढ़ने लगे, पर टोनी ने उसके पैसों की आस से उससे शादी करने वाले पक्षियों को ठुकराकर खेती करने वाले एक साधारण पक्षी से शादी कर ली। वे दोनों साथ में खुशहाल जीवन बिताने लगे। एक दिन बहुत ऊब चुकी चीचू ने कहा, हाय रे फूटी किस्मत, कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो रहा। हे भगवान, इसकी शादी कब होगी? यूं अपने नसीब को कोसते हुए चीचू ने कहा। उनके घर काम करने वाली टोनी बोली, मालकिन घर के सारे काम हो गए, अब मैं घर चलती हूँ, जरा आज महीने की तनख्वाह दे दीजिए। पैसे चाहिए ना तुझे, मैं क्या घर छोड़कर कहीं भागी जा रही हूँ, दे दूंगी, गुस्साई चीचू कवा ने भड़क कर कहा। उसकी बातों से दुखी होकर टोनी ने कहा, ऐसी बात नहीं है मालकिन, मेरी माँ की सेहत ठीक नहीं, इसलिए पैसे पूछे मैंने। ये जानकर भी चीचू ने उसे डांट कर भेज दिया। टोनी गौरैया कुछ न कह सकी, वो वापस अपने घर लौटी। वो जैसे ही अपने घर पहुंची, मही चील ने उससे कहा, टोनी तुम्हारी माँ की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं, तुम दवाई लाई हो ना? नहीं डॉक्टर, जो पैसे मुझे आज मिलने वाले थे वो नहीं मिल पाए, ऐसे बड़े दुखी होकर उसने कहा। उस पर मही चील ने कहा, मेरे पास जो दवाइयाँ हैं उससे कुछ दिन तो आगे ढकेल सकते हैं, पर एक बार सेहत बिगड़ने लगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर के ये बताने पर टोनी गौरैया बहुत उदास हुई। वो सोचने लग गई कि अब क्या करे। दूसरी ओर चीचू कवा अपने घर पर सोच रही थी, अरे ये मैंने क्या कर दिया, बेकार ही उस टोनी पर चिल्ला दिया। यूं मन ही मन सोचकर वो दुखी हो रही थी। तुरंत पैसे लेकर वो टोनी गौरैया के घर पहुंची। चिंता में बैठी टोनी गौरैया को दिलासा देते हुए चीचू कवा ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो मैं थोड़ा चिड़ी हुई थी इसलिए तुम्हें डांट दिया, ये लो तुम्हारे पैसे रख लो। टोनी बहुत खुश हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। टोनी तुरंत पैसे लेकर दवाई लाने के लिए चल पड़ी। चीचू कवा भीतर वाले रूम गई। पलंग पर लेटी हुई टोनी की माँ से चीचू ने पूछा, अब आपकी सेहत कैसी है? सेहत और कैसी रहेगी मैम साहब, बेचारी मेरी बेटी टोनी मेरे लिए बहुत मेहनत कर रही है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, बस यूं निढाल होकर पड़ी हूं। भगवान ने हमारी किस्मत ही ऐसी लिखी है, क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा था मेरी बेटी ब्याह कर जाएगी। यूं बहुत दुखी होकर टोनी की माँ ने कहा, आप चिंता मत करो, टोनी बहुत अच्छी है, ऐसी नेक दिल वाली को अच्छा पति ही मिलेगा। यूं उसे धीरज देती है। मरने से पहले अपनी बेटी की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ मालकिन, ना जाने मेरी इच्छा पूरी होगी भी या नहीं। ऐसी बातें मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यूं उसकी हिम्मत बांधने की कोशिश करती है। इतने में टोनी गौरैया दवाई लेकर घर आई। बहुत देर तक चीचू कवा और मही चील वहीं पर रहकर घर पहुंची। चीचू कवा ने सोचा, मेरे बेटे का कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो रहा, टोनी बहुत सुंदर है और बहुत नेक दिल वाली भी, लगता है उसकी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना मेरे ही हाथ लिखा है। ये सोचकर अपने बेटे से भी उसने यही बात कही। बेटे ने भी शादी के लिए हामी भरी। हर रोज की तरह अगले दिन टोनी काम पर आई। टोनी आज से तुम इस घर की बहू हो, मेरे बेटे से शादी करना चाहोगी? चीचू कौवा के अचानक ये पूछने पर टोनी गौरैया हैरान हो गई। ये आप क्या कह रही है मालकिन, आप कहाँ हम कहाँ, आप ये मुझे क्या पूछ रही है? टोनी हड़बड़ा गई। चीचू ने कहा, टोनी मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर हो तो बताओ, मैं तुम्हारी माँ से बात करती हूँ,
टोनी गौरैया शर्मा कर वहाँ से चली गई। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। टोनी गौरैया के साथ इतना काला दूल्हा देखकर हर कोई दूल्हे की किस्मत बहुत अच्छी है ऐसे कहने लगा। फिर वे दोनों बहुत खुशहाल जीवन बिताने लगे। एक दिन लूसी कबूतर और छोटू तोता चीचू से मिलने आए। वे दोनों चीचू की बहनें थी। दीदी हमें माफ कर दो, हम शादी में नहीं आ पाए। हाँ हाँ, हम जैसों के यहाँ शादी के लिए तुम क्यों आओगे, चीचू ने यूं कटाक्ष में पूछा। दीदी समझा करो ना, यूं वो बात कर रहे थे इतने में टोनी बाहर आई। दीदी ये अपने घर की नौकरानी है ना, तुमने इसको बहू बनाया, हाय हाय पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी आपने, यूं बेधड़क उसकी निंदा करने लगे। इज्जत से बात करो, अब वो इस घर की बहू है, अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, यूं साफ साफ उन दोनों के मुंह पर कह दिया। वे दोनों कुछ न कहकर भीतर चले गए। घर पर बना सारा खाना पेट भर खा लेते हैं और अपनी मन पसंद सारी चीजें उससे बनवा लेते हैं और सारे छूटे बर्तन टोनी के पास धोने के लिए दे देते हैं। बेचारी टोनी बोरवेल पंप के नीचे बैठकर वो सारे बर्तन धोने लगती है। जैसे ही बर्तन धोने खत्म हो जाते वे दोनों फिर से और लाकर डाल देते। ये देखकर टोनी के पति ने उन दोनों से कहा, क्या मेरी पत्नी तुम दोनों को काम वाली नजर आती है, आप दोनों में थोड़ी भी अकल है या नहीं, कितना सारा काम करवाते हो उससे, यूं भड़के हुए पति ने उन दोनों से कहा। ये अपनी पत्नी के प्यार में इतना पागल हो गया है, मासियों से कैसे बात करना ये भी भूल गया, नाराज होकर मासियों ने उससे कहा। सुनिए जी आप चुप रहिए ना, आप कुछ नहीं जानते, टोनी अपने पति को रोकने की कोशिश करने लगी। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि चीचू कवा भी वहाँ पर आई। उसने झगड़े की वजह पूछी तो बेटे ने सारी बात बताई। तुम दोनों मेरे घर आए बहुत खुशी की बात है, पर इस तरह मुझे नीचा दिखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पहले इस घर की नौकरानी जरूर रही होगी वो, पर अब वो इस घर की बहू रानी है। जितना बखेड़ा खड़ा करना था तुम दोनों कर चुकी, अब यहाँ से चुपचाप चली जाओ, यूं गुस्से से उन दोनों को जाने के लिए कहा। इसका मतलब इस नौकरानी जितनी भी इज्जत नहीं हमारी यहाँ, यूं नाराज होकर वे दोनों वहाँ से चले गए। सासू माँ आपको मेरी वजह से बहुत अपमान सहना पड़ रहा है, यूं दुखी हो रही थी। तुम चिंता मत करो, तुम इस घर की बहू हो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं और तुम्हें इस घर के सारे काम करने की भी जरूरत नहीं, मैं दूसरी नौकरानी को रखूंगी। अपने ही घर का काम करने में कैसे शर्म माँ जी, हम सब मिलकर काम कर लेंगे, जब हम कर ना पाए तब काम वाली को रख लेंगे, टोनी के ये कहने पर चीचू कवा ने कहा। मैं जानती थी तुम कितने नेक स्वभाव की हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाया। टोनी अपने माँ को भी अपने घर ले आई। माँ की देखभाल करते हुए अपने पति और सास का भी खूब ख्याल रखने लगी। इस तरह वे सभी साथ में बहुत खुशहाल जीवन जीने लगे।